हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं लॉयला कॉलेज के कंप्लीट रिव्यू के बारे में, जिसमें हम कोर्सेज, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, इन सभी टॉपिक को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉयला कॉलेज की अगर रैंकिंग देखें तो 2024 की जो NIRF रैंकिंग है उसमें इसे 300 कॉलेजों में से 8th प्लेस पे रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं बैचलर कोर्सेज की। तो बैचलर कोर्सेज में अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और फ्रेंच जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आर्ट्स में अगर इंग्लिश कोर्सेज में अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो फर्स्ट ईयर की है 12,280 रुपये। यहीं पे अगर इकोनॉमिक्स के साथ आप BA करना चाहते हैं तो यहाँ पे 11,900 रुपये आपको पे करना होगा। इसके साथ ही हिस्ट्री की 11,090 रुपये, सोशोलॉजी की 11,900 रुपये और फ्रेंच की 18,780 रुपये आपको पे करना होगा। यहीं पे अगर बात करें कॉमर्स कोर्सेज की तो इसकी जो फीस है वो अगर जनरल कॉमर्स करना चाहते हैं तो 13,530 रुपये। इसी के साथ ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करना चाहते हैं तो 76,000 रहेगी आपकी फ़ीस, और कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप में आपकी 47,000 के अप्रोक्स में रहेगी। यहीं पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में 76,000। अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो इसमें BSc की, जिसमें कि विजुअल कम्युनिकेशन है, उसमें 17,670 रुपये और कंप्यूटर साइंस में 48,000 रुपये। यहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स से BSc करना चाहते हैं तो 12,620 रुपये आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी रहेगी। यहीं पे एडवांस जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 12,440 रुपये, फिजिक्स में 13,180 रुपये, स्टैटिक्स में 12,370 रुपये और यहीं पे केमिस्ट्री में 12,950 रुपये। अगर आप प्लांट बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से BSc करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस रहेगी वो 12,360 रुपये के अप्रोक्स में रहेगी। अब बात करते हैं मास्टर कोर्सेज की। तो आर्ट्स और कॉमर्स में कोई भी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज आपको मास्टर डिग्री के लिए देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डाटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, फूड केमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्टों को लेके मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे डाटा साइंस की जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी होगी आपको वो 86,000 करनी होगी। यहीं पे बायोटेक्नोलॉजी में 46,000 के अप्रोक्स में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में 41,000, यहीं पे फूड केमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग में 41,000 के अप्रोक्स में पे करनी होगी। यहीं पे कंप्यूटर साइंस में 48,000, विजुअल कम्युनिकेशन में 64,000 के अप्रोक्स में और स्टैटिक्स में आपको 12,000 के अप्रोक्स में पे करनी होगी। यहीं पे केमिस्ट्री में भी 12,000, फिजिक्स में 13,000 और जूलॉजी में आपको 11,000 रुपये पे करने होंगे। यहीं पे अगर मैथमेटिक्स से आप MSc करना चाहते हैं तो आपको 12,000 के अप्रोक्स में पे करने होंगे। तो ये तो बात हुई हमारे कोर्सेज और फ़ी की। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ के मामले में ये कॉलेज काफ़ी डेवलप है। जैसे कि इसमें लैब्स को देखें तो काफ़ी अच्छी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स अवेलेबल हैं, जिम अवेलेबल है, हॉस्पिटल या मेडिकल की फैसिलिटी भी है। साथ ही जो कैंपस है वो वाईफाई कैंपस है, यहाँ पे ऑडिटोरियम भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो कोर्सेज फीस और हमने फैसिलिटीज़ की बात की जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट का अगर रिकॉर्ड देखें तो 2023 के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसमें लगभग 70% स्टूडेंटों का प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें से कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस वजह से इसका जो प्लेसमेंट स्कोर है वो थोड़ा डाउन रहता है। इसमें अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये 10 लाख के अप्रोक्स में रहता है और एवरेज जो पैकेज रहता है वो 4.5 लाख के एवरेज में रहता है। यहीं पे अगर करंट सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में एवरेज जो सैलरी है वो थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लो होती जा रही है, जो कि अगर 2012 से 2014 के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो हाईएस्ट जो पैकेज था वो 6.2 लाख का था, यहीं पे जो एवरेज था वो 4 लाख का। इसके साथ 2015 और 17 में ये घट के 4.4 लाख हो गया और एवरेज वाला 3 लाख हो गया। लेकिन अगर 2018 से 2020 के
एवरेज में बात करें तो ये काफ़ी लो रहा था, लाइक ये हाईएस्ट 3.1 लैक्स से 2.4 लैक्स मिनिमम तक रहा था। अब बात करते हैं रिक्रूट्स कंपनीज की। सो रिक्रूट्स कंपनी की बात करें तो इसमें विप्रो, SCL, इन्फोसिस, TCS, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ICICI बैंक, ऐसी कंपनियां रिक्रूटर्स के तौर पे आती हैं और जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती हैं। तो हॉस्टल की अगर बात करें तो लॉयला कॉलेज की जो फीमेल हॉस्टल है उसकी बात करें तो इसकी जो फ़ी रहती है वो 1,10,000 से 1,30,000 तक अप्रोक्स में रहती है। यहाँ पे नॉन एसी और एसी रूम अवेलेबल्स हैं, जो कि 10 मंथ की फ़ीस होती है आपकी और इसमें फूड इंक्लूडेड होता है। इसमें अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम की बात करें जो कि ओनली रिसर्च स्कॉलर के लिए अवेलेबल होता है, उसकी जो फ़ी रहती है वो 1,24,000 के अप्रैक्स में रहती है। यहीं पे अगर प्री ऑक्यूपेंसी रूम की बात करें तो 1,05,000 के अप्रोक्स में रहती है, और अगर आप फोर ऑक्यूपेंसी रूम में रहना चाहते हैं तो उसकी फ़ी 1,04,000 के अप्रोक्स में रहती है। यहीं पे फाइव ऑक्यूपेंसी रूम की फ़ीस जो रहती है वो आपकी 1,03,000 के अप्रोक्स में रहती है। अब बात करते हैं एसी रूम्स की, तो इसका जो फ़ी रहती है वो आपकी 10 मंथ और इसमें फूड इंक्लूडेड रहता है वो 1,82,000 के अप्रोक्स में रहती है, और अगर आप थ्री ऑक्यूपेंसी रूम में रहना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस बैठती है वो 1,72,000 के अप्रोक्स में रहती है। यहीं पे अगर फोर ऑक्यूपेंसी रूम की बात करें तो ये जो फ़ी रहती है वो 1,67,000 के अप्रोक्स में रहती है। यहीं पे फाइव ऑक्यूपेंसी रूम की जो फ़ी है वो 1,62,000 के अप्रोक्स में रहती है। तो अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो आपके यूजी का जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है, और पीजी का जो एडमिशन होता है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होता है।